दोस्तों पिछले 2-3 महीने में मैं 2-3 म्यूचुअल फंड्स के आपको बात बता चुका हूँ जहाँ पर इररेगुलरिटीज देखी गई थी। पहले हमने एक्सेस म्यूचुअल फंड हाउस पे एक डिटेल में बात की थी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया पे सेबी ने कुछ फाइन्स लगाए थे क्योंकि उनके म्यूचुअल फंड्स में उन्हें कुछ इररेगुलरिटीज़ मिली थी। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि कैसे म्यूचुअल फंड का फ्रॉड इन्वेस्टर्स के साथ हुआ था। आज दोस्तों अभी रिसेंट में कल ही 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस पे सेबी ने फाइन लगाया है क्योंकि उनको उनके म्यूचुअल फंड्स में जो उन्होंने डीलिंग की है उसमें इररेगुलरिटीज देखने को मिली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से 2 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनके साथ ये हुआ है, उनके क्या करने की वजह से सेबी ने उन पे ये फाइन लगाया है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड में हम बात करेंगे कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये जो चीजें हो रही हैं उससे आपको क्या सबक लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों यहां पर सेबी ने अभी रिसेंट में 2 म्यूचुअल फंड कंपनीज पे पेनल्टी लगाई है। सबसे पहली कंपनी है पीजीएम एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसके साथ उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है। 36 लाख रुपीज की पेनल्टी यहां पर सबको मिलाकर लगाई है। पेनल्टी क्यों लगाई है ये समझते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आप लोग इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको इस टाइप के फंड से बच के रहना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर हुआ क्या है कि सेबी ने जो 5 एंटिटीज पे पेनल्टी लगाई है उसका रीजन रहा है कि कंपनी ने क्या किया है कि जो पीजीएम इंडिया हाउस है उसने क्या किया है कि कुछ लो क्वालिटीज की सिक्योरिटीज को क्लोज एंडेड फंड से ओपन एंडेड स्कीम में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि उसमें कोई ऐसी सिक्योरिटीज उनके पास थी जहां पर क्रेडिट मिलने का जो क्रेडिट क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनको एज अ स्वैप अपनी ओपन एंडेड स्कीम में ट्रांसफर कर दिया। क्लोज एंडेड स्कीम दोस्तों वो स्कीम्स होती हैं डेट फंड्स की जहां पर मैच्योरिटी से पहले कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं निकाल सकता है, ये चीज आपको समझकर चलनी है। तो क्लोज एंडेड स्कीम्स में इन्वेस्टर सिर्फ जो मैच्योरिटी टाइम आता है उसके टाइम पे ही पैसा निकाल सकता है। तो इसीलिए सेबी का ये मानना है कि इन्होंने जो क्लोज एंडेड स्कीम के इन्वेस्टर्स थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा है और ओपन एंडेड स्कीम के जो इन्वेस्टर्स थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लो क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे सिक्योरिटीज थे वो क्लोज एंडेड स्कीम में ट्रांसफर कर दिया, और इसकी वजह से एक नुकसान यहाँ पर वो जो क्लोज एंडेड स्कीम के इन्वेस्टर्स हैं उनको हो सकता था। और ये किया कब गया, ये अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच में ये काम हुआ था जिसकी वजह से अभी इस वक्त फाइन यहाँ पर सेबी ने लगाया है। आज से दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपको फ्रैंकलिन इंडिया का भी केस बताया था, वहां पर भी हमें यही देखने को मिला था कि कुछ सिक्योरिटीज थी जो लो ग्रेडेड हो चुकी थी सिक्योरिटीज, जहां पर जो एसेट क्वालिटी थी क्रेडिट क्वालिटी उन सिक्योरिटीज की थी वो कम हो गई थी। तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि लो क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिए गए थे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर पीजीएम इंडिया में देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों सेबी ने कोटक एएमसी को और उसके साथ साथ उनके 5 और ऑफिशियल्स को भी रूल्स का वायोलेशन करने के लिए फाइन यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर भी हम समझते हैं कि टोटल क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी सेबी ने कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर, उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के ऊपर लक्ष्मी अय्यर जी जिनका नाम है, उसके अलावा 4 अदर सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर म्यूचुअल फंड रूल्स का वायोलेशन करने के लिए पेनल्टी लगाई गई है। पेनल्टी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर और भी ज्यादा पेनल्टी लगी है, पेनल्टी भी यहाँ पर ज्यादा लगी है, 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख इस टाइप के अमाउंट की यहाँ पर पेनल्टी लगी है और टोटल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई है। यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेगुलेटर्स का यह मानना है कि यहां पर भी कुछ इररेगुलरिटीज देखी गई है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में। तो आप फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स को भी वैसा ही समझ सकते हैं जैसे अभी हमने क्लोज एंडेड स्कीम्स की बात की थी। यहां पर भी क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए एएमसी डेट फंड इशू करती है और वो जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो जो डेट होती है उस पे ही वहां पर वो पैसा निकाल पाते हैं, तो ये भी एक तरीके की क्लोज्ड एंडेड स्कीम होती है। अब यहां पर हुआ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो यहां पर 6 स्कीम्स हैं जो डेट सिक्योरिटीज थी या फिर 0 कूपन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यहां पर कंपनी ने इस स्कीम्स में खरीदे हुए थे, एक तो कौनती इंफ्रास्ट्रक्चर पावर की और उसके अलावा मल्टी वेंचर्स कंपनी की। इसके अलावा वहां पर डेट सिक्योरिटीज में एडिसन्स यूटिलिटी वर्क्स की डेट पॉलिसीज में भी यहां पर डेट सिक्योरिटीज में यहां पर पैसा लगाया हुआ था, और कौनती और ये एडिसन्स ये दोनों ही कंपनी एसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज की पार्ट है।
एसएल ग्रुप के बारे में आपको अभी पता ही होगा, हमने पहले भी बात की थी कि कैसे उनकी धीरे धीरे जो क्रेडिट क्वालिटीज थी वो गिरती चली गई थी। अब यहाँ पर फाइन किस बात का लगा है, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि फिक्स मैच्योरिटी जो प्लान्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की, उसकी एक फिक्स डेट होती है जब वो सिक्योरिटीज मैच्योर होती है और इन्वेस्टर्स को पैसा देना होता है। लेकिन यहाँ पर कोटक एएमसी ने जो वो मैच्योरिटी डेट थी वो उन्होंने प्रोमोटर्स और प्रोमोटर्स की जो अदर एंटिटी थी एसएल ग्रुप की, उनके साथ एग्रीमेंट करके वो जो मैच्योरिटी डेट थी उसको बढ़ाकर 30th सितंबर 2019 के आसपास वो ले गए, यानी कि जो मैच्योरिटी थी उसको बढ़ा दिया। और ये जो सिक्योरिटीज इन्होंने ली थी ये एक तरीके से लोन अगेंस्ट शेयर्स के हिसाब से ली थी, कि जी के जो शेयर्स थे वो उन्होंने प्लेज किए थे एसएल ग्रुप ने, और जो टोटल प्लेज किया था शेयर्स जो टोटल प्लेज किए थे वो 1.6 टाइम्स के शेयर्स प्लेज किए थे वो टोटल जो डेट सिक्योरिटीज थी उसके मुकाबले। तो यहां पर सेबी का दो चीजों पे मानना है। पहला ये कहना है कि ये जो 1.6 टाइम्स का प्लेज रखा गया था शेयर्स का लिया गया था, इसके पीछे रैशनल क्या है ये कहीं भी किसी भी जगह डॉक्यूमेंट नहीं किया गया कि 1.6 टाइम्स का हमने प्लेज क्यों लिया है। और दूसरा दोस्तों सेबी का ये मानना है कि हालांकि ये एक डेट सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन है लेकिन बेसिकली ये लोन अगेंस्ट शेयर्स का मामला बना, ये कोई डेट सिक्योरिटीज लेने वाला मामला नहीं था। अब यहां पर हुआ क्या था, ऐसा क्यों किया था उस वक्त कोटक एएमसी ने, क्योंकि जो उन्होंने जी के शेयर्स प्लेज कराए थे जैसे ही एसएल ग्रुप में डिफॉल्ट होने लगे थे तो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स जो थे वो अपने वो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था, और बेचने की वजह से उसकी शेयर की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो उस वजह से उस टाइम पे कोटक एएमसी ने उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड था उसको बढ़ा दिया था। तो ये दो मेजर रीजंस हैं जो सेबी ने दिए हैं जिसकी वजह से यहां पर इन पे फाइन लगा है। तो ये मानते हैं सेबी, ऐसा मानते हैं कि ड्यू डिलीजेंस का ख्याल नहीं रखा गया और इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट थे उसका ख्याल यहां पर नहीं रखा गया जिसकी वजह से ये फाइन यहां पर लगा है। आपको यहां पर मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूं। जब ये 30th सितंबर 2019 को ये फंड यहां पर पूरा कंप्लीट हुआ था, इसकी मैच्योरिटी डेट आई थी तो सभी इन्वेस्टर्स को पैसा मिला था, तो ये एक सेफ वाली बात है इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरी चीज यहां पर ये भी आपको ध्यान रखनी है, अभी कोटक एएमसी का ये कहना है कि ये आगे फर्दर ये जो डिसीजन आया है सेबी का इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। तो ये दो यहां पर 200 फाइन लगे हैं। इससे पहले फ्रैंकलिन इंडिया में भी हमने सेम टाइप की चीजों की वजह से फाइन लगते हुए देखा था। अब यहां पर आपको जो सबसे पहली चीज समझनी है कि अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्लोज एंडेड में इन्वेस्ट ना करके ओपन एंडेड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेटर रहता है, और टाइमली आपको अपनी डेट फंड्स की सिक्योरिटीज की जो क्रेडिट क्वालिटी है उसको रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर आपको ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी यही था कि अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये समझकर जरूर देखिएगा कि वो जो क्रेडिट क्वालिटी है आपके डेट फंड की क्या वो गिर रही है लगातार या नहीं गिर रही है। क्रेडिट क्वालिटी का मतलब क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूं कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हर कंपनी की सिक्योरिटी को, डेट सिक्योरिटीज को एक रेटिंग देती है, जैसे कि ट्रिपल ए, डबल ए। तो जितनी अच्छी रेटिंग्स है, जैसे ट्रिपल ए सबसे अच्छी रेटिंग्स मानी जाती हैं और डबल ए उसके नीचे, ए उसके नीचे, तो ये तो जितनी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी होगी उतना ही ज्यादा चांसेस हैं उस कंपनी के पैसा लौटाने की। तो इसलिए आप अपनी क्रेडिट क्वालिटी देखकर ही डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और एक बार अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो रेगुलरली अपने डेट फंड्स को रिव्यू करते रहें, ये देखते रहें कि जो उनकी क्रेडिट क्वालिटीज है क्या वो कम तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप देखकर ही किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मेरी तरफ से दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इन सब चीजों से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान वैसे ही करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स डेट फंड में इन्वेस्ट करके ना हो। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।